इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत के एक इम्पॉर्टेंट राजवंश यानी कि गुलाम वंश, जो कि दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश था, के बारे में जानेंगे। गुलाम वंश को मामलुक राजवंश या वंश, स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश भी कहते हैं। तो जो चीज़ हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे वो है गुलाम वंश से संबंधित समस्त शासक और लास्ट में परीक्षा उपयोगी प्रश्न। तो जो शासक हैं वो हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रबिया सुल्तान, मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद, ग्यासुद्दीन बलबन, कैकुबाद, शमशुद्दीन क्यूमर, और अंत में हम देखेंगे परीक्षा उपयोगी प्रश्न। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू योर ई लर्निंग स्पेस दैट इज पढ़ो इंडिया बढ़ो इंडिया। नमस्कार दोस्तों, पढ़ो इंडिया बढ़ो इंडिया में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिएटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस को रेगुलर बेसिस पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसे मोहम्मद गौर ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद नियुक्त किया था। इस वंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1206 से 1290 ईस्वी तक राज किया। इस वंश के शासक या संस्थापक गुलाम थे, ना कि राजा, इसीलिए इसे राजवंश की बजाय सिर्फ वंश कहा जाता है। तो सबसे पहले हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनका शासनकाल रहा 1206 से 1210 तक। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान एवं गुलाम वंश का संस्थापक था। उसने केवल 4 वर्ष 1206 से 1210 तक ही शासन किया। वह बहुत ही प्रतिभाशाली सैनिक था, जो दास बनकर पहले गौरी साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद गौरी के सैन्य अभियानों का सहायक बना और फिर दिल्ली का सुल्तान। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक के साहस, कर्तव्य निष्ठा तथा स्वामी भक्ति से प्रभावित होकर उसे शाही अस्तबल का अध्यक्ष नियुक्त किया। तो जो शाही अस्तबल है उसे दिल्ली सल्तनत के कार्यकाल में घुड़साल कहते थे, और उसका जो अध्यक्ष यानी कि जो सर्वोच्च होता था उसे अमीर ए अखूर कहते थे। ये एक पदवी थी। तो ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कई बार आ चुका है कि जो घुड़साल का अध्यक्ष होता था उसे क्या कहते थे। तो आंसर है अमीर ए अखूर। अमीर ए अखूर एक सम्मानित पद था और उसमें सैन्य अभियानों में भाग लेने का अवसर मिला। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर मारने के बाद ऐबक को भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया गया। वह दिल्ली, लाहौर तथा कुछ अन्य क्षेत्रों का उत्तरदायी बना। गौरी के दासों में ऐबक के अतिरिक्त ग्यासुद्दीन महमूद, यलदौज, कुबाचा और अली मर्दाना प्रमुख थे। गौरी की मृत्यु के बाद 24 जून 1206 को कुतुबुद्दीन का राज्यारोहण हुआ, पर उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। तुर्कों ने बंगाल तक के क्षेत्र को रौंद डाला था, फिर भी उनकी सर्वोच्चता संदिग्ध थी। राजपूत भी विद्रोह करते रहते थे, पर इसके बावजूद ऐबक ने इन सब का डटकर सामना किया। बख्तियार खिलजी की मृत्यु के बाद अली मर्दाना ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी तथा ऐबक के स्वामित्व को मानने से इनकार कर दिया था। इन कारणों से कुतुबुद्दीन का शासनकाल केवल युद्धों में ही बीता। उसकी मृत्यु 1210 में घोड़े से पोलो खेलते समय गिरकर एक दुर्घटना में हुई थी। अगला शासक है आराम शाह, जिसने 1210 से 1211 तक शासन किया। आराम शाह दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था और वो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद सत्तासीन हुआ था। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद लाहौर के अमीरों ने जल्दबाजी में उसे दिल्ली का शासक बना दिया, पर वो अयोग्य निकला। इसके बाद इल्तुतमिश शासक बना। इल्तुतमिश 1211 से 1236। वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश उन शासकों में से था जिससे दिल्ली सल्तनत की नींव मजबूत हुई। वह ऐबक का दामाद भी था। उसने 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक शासन किया। अकस्मात मृत्यु के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक अपने किसी उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं कर सका था, अतः लाहौर के तुर्क अधिकारियों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के विवादित पुत्र को लाहौर की गद्दी पर बैठाया, परंतु दिल्ली के तुर्क सरदारों एवं नागरिकों के विरोध के फलस्वरूप कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश, जो उस समय बदायूं का सूबेदार था, को दिल्ली आमंत्रित कर राज्य सिंहासन पर बैठाया गया।
आराम शाह एवं इल्तुतमिश के बीच दिल्ली के निकट जर्ण नामक स्थान पर संघर्ष हुआ, जिसमें आराम शाह को बंदी बनाकर बाद में उसकी हत्या कर दी गई और इस तरह ऐबक वंश के बाद इलबरी वंश का शासन प्रारंभ हुआ। इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। उसने सल्तनत कालीन दो महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टका तथा तांबे का जीतल चलवाया। इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था का प्रचलन किया और राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। इल्तुतमिश प्रथम सुल्तान था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा था और उसमें सुधार किया था। स्थापत्य कला के अंतर्गत इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्य को पूरा करवाया। भारत में संभवतः पहला मकबरा निर्मित करवाने का श्रेय भी इल्तुतमिश को दिया जाता है। इल्तुतमिश ने बदायूं की जामा मस्जिद एवं नागौर में अतारकीन के दरवाजे का निर्माण करवाया। अजमेर की मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने ही करवाया था। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में स्थित है, जो एक कक्षी मकबरा है। फरवरी 1229 में बगदाद के खलीफा से इल्तुतमिश को सम्मान में खिलाफत एवं प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। खलीफा ने इल्तुतमिश की पुष्टि उन सारे क्षेत्रों में कर दी जो उसने जीते थे। साथ ही खलीफा ने उसे सुल्तान आजम यानी कि महान शासक की उपाधि भी प्रदान की। बयाना पर आक्रमण करने के लिए जाते समय मार्ग में इल्तुतमिश बीमार हो गया। अंततः अप्रैल 1236 में उसकी मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 में बैठा गद्दी। रुकनुद्दीन फिरोज शाह दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था। सन 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद वो एक साल से भी कम समय के लिए सत्तासीन रहा। उसके बाद रजिया सुल्तान शासक बने। नेक्स्ट है रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक। इतिहास में रजिया को सामान्यतः रजिया सुल्तान या रजिया सुल्ताना के नाम से जाना जाता है। रजिया ने 1236 से 1240 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। वह इल्तुतमिश की पुत्री थी। तुर्की मूल की रजिया को अन्य मुस्लिम राजकुमारियों की तरह सेना का नेतृत्व तथा प्रशासन के कार्यों में अभ्यास कराया गया ताकि जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। रजिया सुल्ताना मुस्लिम एवं तुर्की इतिहास की पहली महिला शासक थी। रजिया को उसके पितृ इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। इल्तुतमिश पहला ऐसा शासक था जिसने अपने बाद किसी महिला को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। स्रोतों के अनुसार पहले उसके बड़े बेटे को उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया गया, परंतु दुर्भाग्यवश उसकी अल्प आयु में ही मृत्यु हो गई। लेकिन मुस्लिम वर्ग को इल्तुतमिश का किसी महिला को वारिस बनाना नामंजूर था, इसलिए उसकी मृत्यु के पश्चात उसके छोटे बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह को राजसिंहासन पर बैठाया गया। रुकनुद्दीन का शासन बहुत ही कम समय के लिए था। इल्तुतमिश की विधवा शाह तुर्कान का शासन पर नियंत्रण नहीं रह गया था। विलासी और लापरवाह रुकनुद्दीन के खिलाफ जनता में इस सीमा तक आक्रोश उमड़ा कि नवंबर 1236 को रुकनुद्दीन तथा उसकी मां शाह तुर्कन की हत्या कर दी गई। इसके पश्चात सुल्तान के लिए अन्य किसी विकल्प के अभाव में मुसलमानों को एक महिला को शासन की बागडोर देनी पड़ी और रजिया सुल्तान दिल्ली की शासिका बन गई। गद्दी संभालने के बाद रजिया ने रीति रिवाजों के विपरीत पुरुषों की तरह सैनिकों का कोट और पगड़ी पहनना पसंद किया। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह चुरा जिसे कि काबा कहते हैं वह कुल्हा जिसे कि टोपी पहनकर दरबार में खुले मुंह जाने लगी। रजिया और उसके सलाहकार जमात उद्दीन याकूत एक हफ्सी के साथ विकसित हो रहे अंतरंग संबंध की बात भी मुसलमानों को पसंद नहीं आई। रजिया और अल्तुनिया के बीच युद्ध हुआ जिसमें याकूत मारा गया और रजिया को बंदी बना लिया गया। मरने के डर से रजिया अल्तुनिया से शादी करने को तैयार हो गई। इस बीच रजिया के भाई मैजुद्दीन बहराम शाह ने सिंहासन हथिया लिया। अपनी सल्तनत की वापसी के लिए रजिया और उसके पति अल्तुनिया ने बहराम शाह से युद्ध किया जिसमें उनकी हार हुई। उन्हें दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा और अगले दिन वो कैथल पहुंचे जहां उनकी सेना ने साथ छोड़ दिया। वहां जाटों से हुए संघर्ष में 14 अक्टूबर 1240 को दोनों मार गए। अगला जो दिल्ली का शासक था वो था मोइजुद्दीन बहराम शाह जो 1240 से 1242 तक शासक रहा।
मोइनुद्दीन बहराम शाह एक मुस्लिम तुर्की शासक था जो दिल्ली का छठा सुल्तान बना। बहराम शाह इल्तुतमिश का पुत्र एवं रजिया सुल्तान का भाई था। इसके बाद आया अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 तक। अलाउद्दीन मसूद शाह तुर्की शासक था जो दिल्ली सल्तनत का सातवां सुल्तान बना। नेक्स्ट है नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 तक। नसरुद्दीन महमूद तुर्की शासक था जो दिल्ली सल्तनत का आठवां सुल्तान बना। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 में सुल्तान मसूद शाह को हटाकर नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया। यह एक ऐसा सुल्तान हुआ जो टोपी सीकर अपनी जीविका निर्वहन करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद के साथ करवाया था। अगला और इम्पॉर्टेंट सुल्तान हुआ गयासुद्दीन बलबन, जिसके बारे में अनेकों बार क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। इसका शासनकाल था 1266 से 1286 तक। गयासुद्दीन बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का एक शासक था। उसने सन 1266 से 1286 तक शासन किया। गयासुद्दीन बलबन जाति से इलबरी तुर्क था। नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के पश्चात बिना किसी विरोध के बलबन ने मुकुट धारण कर लिया। उसने 20 वर्ष तक शासन किया। सुल्तान के रूप में उसने जिस बुद्धिमत्ता, कार्य कुशलता तथा नैतिकता का परिचय दिया, इतिहासकारों ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। शासन पद्धति को उसने नवीन सांचे में ढाला और उसको मूलतः लौकिक बनाने का प्रयास किया। वह मुसलमान विद्वानों का आदर तो करता था, लेकिन राजकीय कार्यों में उनको हस्तक्षेप नहीं करने देता था। उसका न्याय पक्षपात रहित और उसका दंड अत्यंत कठोर था। इसी कारण उसकी शासन व्यवस्था को लोक रक्त की व्यवस्था कहकर संबोधित किया जाता है। बलबन ने मंगोलों को आक्रमणों की रोकथाम करने के उद्देश्य से सीमांत क्षेत्र में सुदृढ़ दुर्गों का निर्माण किया और इन दुर्गों में साहसी योद्धाओं को नियुक्त किया। उसने सिजदा एवं पावोस की पद्धति को चलाया। सिजदा और पावोस एक प्रकार के सम्मान करने की पद्धति थी, जिसमें सुल्तान को लेट कर सम्मान देते थे और सुल्तान का ताज और पैर पर चूमते थे। बलबन के दरबारी फारसी कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन थे। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को अलूक खान की उपाधि दी थी। बलबन ने फारसी त्यौहार नवरोज प्रारंभ करवाया। बलबन दिल्ली के मंगोलों के आक्रमण से रक्षा करने में सफल रहा। बलबन ने अंत में तुर्कन ए चहलगामी का नाश किया, जिसे इल्तुतमिश ने बनाया था। कीर्ति और यश प्राप्त कर वह सन 1287 ईस्वी के मध्य पर लोक सिथारा। कैकुबाद 1287 से 1290 तक। कैकुबाद तुर्क वंश का दिल्ली का सुल्तान था। वह गयासुद्दीन बलबन का पौत्र था, जो उसकी मृत्यु के पश्चात 1287 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। विलासी होने के कारण वह शीघ्र ही दरबार के षड्यंत्रों का शिकार हुआ। शमशुद्दीन क्यूमर्स 1290। शमशुद्दीन गुलाम वंश का अंतिम शासक था। उसने दिल्ली पर 1290 तक शासन किया। तो दोस्तों, ये थे सारे शासक, और अब देखते हैं ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। Which is the first Muslim dynasty in India? Answer is Slip dynasty. भारत की पहली मुस्लिम डायनेस्टी या दिल्ली सल्तनत की पहली वंश, पहला राजवंश कौन सा था? तो स्लेव वंश, यानी कि गुलाम वंश या मामलुक वंश भी इसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, Which dynasty is called as इल्वरी डायनेस्टी, यामिनी डायनेस्टी और मामलुक डायनेस्टी? तो इसका भी आंसर है स्लेव डायनेस्टी। इल्वरी डायनेस्टी, इल्बरी वंश, यामिनी वंश या मामलुक वंश को ही गुलाम वंश भी कहते हैं। तो इनमें से किसी भी नाम से इस वंश को पुकारा जा सकता है। When did the slave dynasty founded? गुलाम वंश कब अस्तित्व में आया या कब गुलाम वंश की स्थापना हुई? तो इसका आंसर है 1206 ईस्वी। Who is the founder of slave dynasty? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। Who is known as लाख बख्श? लाख बख्श यानी कि लाखों का दान देने वाला किसे कहा जाता है? इसका भी आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। Who started the construction of कुतुब मीनार? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने प्रारंभ करवाया था? इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक।
और अगला क्वेश्चन है, हु कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? इसका आंसर है इल्तुतमिश, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। हु इज द फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम वुमेन रूल्ड दिल्ली, तो दिल्ली सल्तनत की पहली और केवल इकलौती कौन सी महिला थी जो शासिका बनी? इसका आंसर है रजिया सुल्ताना या रजिया सुल्तान, और वो इल्तुतमिश की पुत्री थी। अगला है, हु इज कंसिडर्ड एज फाउंडर ऑफ सेकंड इलबरी डायनेस्टी, तो द्वितीय इलबरी डायनेस्टी का संस्थापक किसे कहा जाता है? आंसर है बलबन। हु इज नोन एज शेडो ऑफ गॉड, भगवान की परछाई या खुदा की परछाई के नाम से किसे जाना जाता है? बलबन। हु इज द लास्ट स्लेव, हु इज द लास्ट स्लेव रूलर, तो दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम शासक था वो कौन था? आंसर है क्यूमर्स। सो फ्रेंड, इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, काइंडली लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स, डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स, एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड इजिली। यू कैन राइट अस ऑन pindiabindia@gmail.com फॉर एनी क्वेरी, हेल्प और सजेशंस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।